तो भाई एक और चीज़ दिखाना बनता है आपको, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, शायद ही मेरे हिसाब से किसी ने देखा होगा और काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई नेपाल के अंदर, ठीक है, नेपाल काठमांडू की तरह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैं आपको अब लेके जा रहा हूँ महादेव की गुफा भाई, जो नेपाल में काफ़ी फेमस जगह है, और उसका टिकट ज़्यादा नहीं है, इंडियंस के लिए 100 रुपये है और नेपाली के लिए 50 रुपये भाई। तो भाई ये है प्रवेश द्वार महादेव की गुफा का भाई, ठीक है, तो चलते हैं फिर सीधा अंदर और दिखाते हैं आपको कैसा है अंदर। और अब मैं लेके आया आपको महादेव की गुफा, ठीक है, इस जगह के बारे में मुझे इतना पता तो नहीं, मगर पूछूंगा किसी से ये जगह कैसे आई, इस जगह पे इस जगह क्यों बनी है। यहाँ पर है महादेव की गुफा भाई, इस जगह पे कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति है यहाँ पर। काफी श्रद्धालु आते हैं इस जगह पे भाई, महादेव की गुफा देखने के लिए। और ये दृश्य है समुद्र मंथन के टाइम पे, देख रहे हो वही दृश्य है, ये समुद्र मंथन के टाइम पे ऐसा ऐसे ही हुआ था। इस साइड देव लोग और उस साइड राक्षस, और ये समुद्र मंथन एक पहाड़ सा बना हुआ है, ऐसे शिव जी की मूर्ति है उसके ऊपर पर लगी हुई है ये। भाई गुफा देख रहे हो कितनी भयंकर गुफा है, आ जाओ 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 आ जाओ। तो गुफा देख रहे कितनी भयंकर है भाई गुफा की, बहुत दूर तक है भाई, पहाड़ के बिल्कुल अंदर ही अंदर भाई। ये देखो भाई जगह देखो भाई, इतनी भयंकर जगह है, ये महादेव की गुफा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देख रहे हैं भाई
वहाँ से निकल रही है धारा भाई, देख रहे हो काफ़ी बड़ी नदी निकल रही है वहाँ से बाहर, और यही गुफा है। पता नहीं कौन सी नदी है, नदी पता नहीं कौन सी है, मुझे भी नहीं पता। तो भाई ये महादेव का घर है। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस भाई यहाँ से, ठीक है। जो मैंने आपको महादेव की गुफा दिखाई है, पहले तो मैं आपको बता दूं मैं मंदिर से बाहर निकल गया हूं और सीधा मैं किनारे पर आ चुका हूं, ठीक है ना। जो मैंने महादेव की गुफा बताई है आपको, उसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं पता है मेरे को, ठीक है ना। और मैंने उनके वहाँ के पंडित से बात करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया उस चीज़ के बारे में। और वहाँ पर कैमरा ले आना वाले अलाउड नहीं है, वहाँ पर आप कैमरा लेके जा सकते हो। मैंने छुपके वीडियो बनाई है, ठीक है ना। अगर पकड़ा जाता तो भाई बहुत तगड़ा फ़ाइन पड़ता और कैमरा भी छीना जाता, मगर मैंने फिर भी वीडियो बनाई। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए आपको तो आप गूगल में इन जगह सर्च कर लेना। तो चलो फिर चलते हैं यहाँ से अपने पड़ाव की तरफ। अगर आपको बोटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है ना, बोटिंग का या पैराग्लाइडिंग का शौक है, इन चीज़ों का शौक़ है ना, अगर फिशिंग का भी शौक है ना, तो आप आ सकते हो पोखरा में भाई, ठीक है। पोखरा इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अभी बोटिंग देख रहे हो, ये पूरी बोटिंग है। हाँ, बोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर और फिशिंग भी कर सकते हो भाई। इस जगह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, फ़िशिंग के लिए और बोटिंग के लिए और पैराग्लाइड के लिए भाई। तो हमारा कोई प्लान तो है नहीं भाई, क्योंकि इतने पैसे नहीं कि भाई मैं ये बोटिंग कर पाऊँ, मगर पैराग्लाइडिंग देखेंगे क्योंकि लाइफ में पहले मैंने कभी किया नहीं। तो देखते हैं भाई कितना उसका प्राइस है, क्या है, सब चीज़ वहीं जाके पता चलेगा। और पैराग्लाइडिंग के लिए मुझे बस यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा और वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है भाई, ठीक है ना। और यहाँ से व्यू देखो भाई, इतना बढ़िया व्यू है ना भाई, झकास भाई। पोखरा आप कभी भी आओगे, मैं आपको बता दूँ कि लगभग काठमांडू से पीछे लगभग 200 किलोमीटर है और नेपाल से लगभग 250 किलोमीटर है पोखरा भाई। आगे काठमांडू से पीछे और नेपाल से आगे, मतलब बीच में है पोखरा भाई, ठीक है। तो आप आ सकते हो जगह पे, काफ़ी सुंदर जगह है, ठीक है ना। मैं आपको जा ये चीज़ दिखाऊंगा और फिशिंग बोटिंग के लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई मना नहीं है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब आपको दिखाते हैं पैराग्लाइडिंग कहाँ होती है, चलते हैं वहीं पर। और अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है या कुछ खाते खाते बोटिंग करनी है, तो यहाँ पर देख सकते हो शॉप है, ठीक है। ये रास्ता जाता है, रोड से जाता है ये रास्ता, और यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हो, देख रहे हो। काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। मैं बोटिंग कर लेता मगर भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी परेशानी है इसलिए नहीं कर सकता मैं, ठीक है। मगर आप आओगे तो आप ज़रूर करना इस जगह पर। मैं सिर्फ आपको लोकेशन बताता हूँ, बढ़िया बढ़िया लोकेशन है। तो मैं जा रहा हूँ भाई पैराग्लाइडिंग के, जहाँ पैराग्लाइडिंग होती है उसके स्पॉट पर जा रहा हूँ, और देखते हैं कि पैराग्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि सुबह का टाइम है ना भाई, अब
पता नहीं हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। देख रहे हैं यहाँ पर लोगों ने खेती कर रखी है अपनी, काफी अच्छा व्यू लग रहा है भाई। आहा, ऐसे देख के अपनी पहाड़ की याद आती है एकदम से, अपने गांव की याद आती है ये चीज़ देख के। वो तो ठीक है, बैग लेके नहीं आया अपने साथ, इतना लंबा रूट है देख रहे हो आप। कितने बजे से होती है यहाँ पैराग्लाइडिंग है भाई? कितने बजे से होती है पैराग्लाइडिंग? 11 बजे से। अच्छा यही नीचे से होती है ना? इधर से। अच्छा ऊपर से? ऊपर से इधर, ऊपर से मैं ये देखा है ना, खाली जगह हुई है। तो भाई 11 बजे से होगी पैराग्लाइडिंग यहाँ पर, और मुझे निकलना भी है भाई यहाँ से, इसलिए मैं इतना टाइम नहीं रुक सकता इस जगह पे। तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है भाई, और मैं आपको बता दूं कि पैराग्लाइडिंग यहाँ पर 8,000 रुपये प्राइस है यहाँ पर से, ठीक है, नेपाली 8,000 रुपये, काफ़ी महंगा है भाई, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता करने की भाई। मगर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप आओगे इस जगह पे तो करना ज़रूर भाई, अगर आपके पास होंगे तो करना ज़रूर। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं घूमने के लिए, आराम से घूमिए और अपनी लाइफ जिए।